सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइन इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल के बारे में। तो फ्रेंड्स, लाइन इंटीग्रल को समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए कर्व, हम लोग कर्व का क्या वेक्टर इक्वेशन होता है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में जो जो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा उसको पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर लाइन इंटीग्रल पर आऊँगा ताकि आपको लाइन इंटीग्रल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व के बारे में कि कर्व का क्या वेक्टर इक्वेशन होता है या कर्व किसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। कोई भी हम लोग एक पॉइंट का लोकस ले रहे हैं और वो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर जो होगा वो स्केलर वेरिएबल टी का एक फंक्शन होगा। तो वैसे ही लोकस को, उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं कर्व। एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि सर्कल एक कर्व हो गया। ये जो सर्कल है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आप जानते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन जानते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इक्वल टू ए साइन टी, जहाँ पर टी जो है वो पैरामीटर कहलाता है और ए इसका रेडियस हो जाता है। सर्कल का कार्टेशियन इक्वेशन ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल का, जहाँ ए इसका रेडियस है और ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, टी पैरामीटर है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 2D का प्लेन है हम लोग का, और यहाँ पर जेड एक्सिस नहीं है। तो आप सपोज कर लीजिए कि इससे जितना भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही, और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं होगा। जेड कोऑर्डिनेट हम लोग 0 मान रहे हैं क्योंकि ये 2D का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर सिर्फ। तो एक्स वाई प्लेन पर फिगर बनाए हैं तो इसीलिए इसका जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये कोई भी पॉइंट अगर P हम लोग ले रहे हैं तो इस P पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर मीन्स ये सपोज कीजिए ओरिजिन है, तो ओरिजिन से P पॉइंट को मिला देते हैं, ये जो वेक्टर OP आ रहा है इसी को हम लोग कहेंगे पोजिशन वेक्टर, और इस पोजिशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर R मान रहे हैं। तो R इक्वल टू होगा क्या, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका पोजिशन वेक्टर निकालेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, जेड की जगह 0 है, 0 कैप। तो ये आर का पोजिशन वेक्टर हो गया, और हम लोग फिर ये आर तो रहने देते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ए कॉस टी, तो ए कॉस टी आई कैप प्लस वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए साइन टी जे कैप और प्लस 0 कैप। तो ये जो आर है, आर पोजिशन वेक्टर बता रहा है, किसका पोजिशन वेक्टर बता रहा है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बता रहा है। और यहाँ पर ये जो आर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। देखिए आप, ये टी का फंक्शन है, तो आर जो है वो ये टी का फंक्शन हो गया, आप इसको कह सकते हैं आर टी। अब टी का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं कि ये जो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसमें टी का वैल्यू 0 से लेकर के 2π तक होता है, तो टी जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 2π। इस पॉइंट का टी 0 होगा और इस पॉइंट का टी पाई होगा, इस पॉइंट का 3π/2 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो इस पॉइंट का टी जो है वो 2π हो जाएगा। तो टी 0 से 2π तक वैरी करता है यहाँ पर। तो आप देखिए, यहाँ पर टी के जगह कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर टी का कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, सपोज कीजिए 0 ही ले लेते हैं, तो 0 ले लेते हैं तो एक पोजिशन वेक्टर बताएगा। 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैप।
और टी के जगह जीरो बैठाते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो जे और वो है जीरो के, तो ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये ए आई हो गया। ये वेक्टर, ये मान लीजिए ए है तो ये वेक्टर ओ ए बता रहा है, तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी टी आप ले लेते हैं तो ये सर्कल का ही एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएगा। तो इस सर्कल का एक कर्व हो गया और इस कर्व का इक्वेशन हो गया आर इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ये लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट का लोकस, और वो जो पॉइंट है वो कैसा है कि जिसका पोजिशन वेक्टर आर जो होगा वो एक स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन होगा। देखिए आर जो है ये पोजिशन वेक्टर बता रहा है, तो आर जो है वो टी का फंक्शन है और आर जो पॉइंट है उसका जो लोकस मिलेगा उसी लोकस को हम लोग कहते हैं कर्व। और दस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर ऑफ टी, ये टी का फंक्शन होगा, स्केलर वेरिएबल टी है ये। और आर टी कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए आर टी कैसे लिखा हुआ, आर पोजिशन वेक्टर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे जीरो के, तो एक्स क्या चीज़ होता है, एक्स जो होता है वो टी का फंक्शन होता है, तो एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप। तो इस तरीके से हम लोग कर्व का इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी कर्व का इक्वेशन अगर लिखना है वेक्टर इक्वेशन तो इसी तरीके से लिखते हैं, जहां पर टी जो है वो कोई दो लिमिट के बीच होगा, अल्फा और बीटा के बीच में ये टी वैरी कर रहा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है अल्फा बीटा के बीच। जैसे यहाँ पर इस सर्कल के लिए टी क्या है, टी जो है वो जीरो से लेकर के टू पाई तक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से कर्व के इक्वेशन को लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन को, और यहाँ पर टी जो है वो अल्फा से लेकर के बीटा तक वैरी कर रहा है। तो ये हो गया कर्व का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें कुछ और चीज़ है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है वेक्टर कैलकुलस में, कि इफ़ आर ऑफ अल्फा इक्वल टू आर ऑफ बीटा देन द कर्व इज क्लोज्ड कर्व। जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कर्व को का इक्वेशन देख रहे थे, कर्व का इक्वेशन आर इक्वल टू आर ऑफ टी था, ये टी का फंक्शन होता है। इस आर ऑफ टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये टी का एक फंक्शन होगा, और एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई टी ऑफ जे कैप इंटू जे कैप प्लस जेड ऑफ टी इंटू के कैप। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं कर्व का। तो यहाँ पर टी क्या था, टी जो है वो अल्फा से लेकर के बीटा तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में ही टी होता है। तो हम लोग अल्फा पर भी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं अल्फा पर भी, और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर बीटा पॉइंट पर भी निकाल लेते हैं। टी का अल्फा वैल्यू और टी का बीटा वैल्यू पर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो जो कर्व होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड कर्व। जैसे अभी हम लोग एक सर्कल का ही हम लोग देखें, वेक्टर इक्वेशन क्या था, आर इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह ए कॉस टी लिख रहे थे, ए कॉस टी आई प्लस वाई, वाई के जगह ए साइन टी जे, और जेड तो वहाँ पर जीरो था। तो यहाँ पर टी के बारे में बताए थे कि टी का वैल्यू जीरो से लेकर के टू पाई तक होता है। तो जीरो पर आप वैल्यू निकालिए आर ऑफ जीरो, जीरो पर वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है, ए कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है ए आई प्लस साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो जे कैप, तो ये सिर्फ कितना आ गया ए इंटू आई कैप आ गया। और टू पाई पर निकालते हैं आर का वैल्यू टू पाई पर, तो टू पाई पर निकालते हैं तो यहाँ पर टू पाई पर पुट करेंगे टी के जगह, तो कॉस टू पाई का वैल्यू वन होता है तो ये हो जाएगा ए आई कैप, और साइन टू पाई का वैल्यू जीरो होता है तो ये हो जाएगा जीरो जे कैप, तो ये भी हो गया ए आई कैप। तो इसका मतलब ये जीरो पॉइंट पर आर का वैल्यू और टू पाई पर आर का वैल्यू दोनों इक्वल आ गया, तो ये दोनों इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों पर सेम वैल्यू आ रहा है, सेम पोजिशन वेक्टर आ रहा है, तो ये जो कर्व होगा वो एक क्लोज्ड कर्व होगा। आप जानते हैं कि सर्कल जो होता है एक क्लोज्ड कर्व होता है, तो कोई भी कर्व हो सकता है, जैसे पैराबोला, पैराबोला आप जानते हैं कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं होता, इलिप्स, इलिप्स क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है। तो क्लोज्ड कर्व का वेक्टर इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि
जो विक्टर इक्वेशन दिया हुआ है उसमें टी का वैल्यू अल्फा से बीटा तक वैरी कर रहा है, और अल्फा पर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, बीटा पर आर का वैल्यू निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो वो जो कर्व आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड कर्व। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि स्मूथ कर्व क्या होता है, कि लेट आर ऑफ टी पोजेसेस ये कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बता रहा है कर्व का पोजिशन विक्टर किसी भी पॉइंट का, और ये जो फंक्शन है वो आर टी का फंक्शन होगा, स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव जो आएगा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो डेरिवेटिव आएगा डी आर बाई डी टी आएगा, वो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो लेट आर ऑफ टी पोजेसेस ये कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी अंडर कंसिडरेशन, ये सभी टी के वैल्यू के लिए, सपोज कीजिए अभी जैसे हम लोग कर्व के इक्वेशन में देख रहे थे कि टी का जो वैल्यू है अल्फा और बीटा के बीच में हम लोग लिए थे, तो अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी टी का वैल्यू ले लेते हैं, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए प्रत्येक टी के वैल्यू के लिए। तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं देन सच ये कर्व इज नोन एज अ स्मूथ, इस कर्व को हम लोग स्मूथ कर्व कहते हैं, और इसके बाद आता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो फ्रेंड्स सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है ये जरा समझिए, कि ये क्लोज्ड स्मूथ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर कोई क्लोज्ड कर्व है जो अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करता है, जैसे सपोज कीजिए ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, और लेकिन ये जो कर्व है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहेंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व जैसे ये सर्कल है, सर्कल जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, इस तरीके से ये जो कर्व है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्लोज्ड तो जरूर है लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ, इसको कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। या जो इलिप्स है, इलिप्स जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, ये एक दूसरे को मतलब कर्व अपने आप में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट पी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है कर्व का। सपोज कीजिए ये कोई कर्व है ए बी, इस कर्व को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इस पर एक पॉइंट हम लोग पी लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, सपोज कीजिए ओरिजिन ये है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये जो वेक्टर ओ पी होगा यही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पी का। अब इसके नियरेस्ट एक पॉइंट हम लोग लेते हैं Q, जिसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R है, ये नियरेस्ट पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो वेक्टर OQ होगा यही पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R हो गया। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं P से Q को, तो ये कोड जो PQ वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर आएगा, देखिए ये PQ या कैसे किसी भी वेक्टर को कैसे निकालते हैं, PQ कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा R, और P का पोजीशन वेक्टर क्या है, P का पोजीशन वेक्टर R है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सिर्फ डेल्टा R बच जाएगा, तो ये जो वेक्टर PQR है वो डेल्टा R हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि लेट पी ऑफ आर एंड क्यू ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, ये पी का पोजीशन वेक्टर आर, क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है, बी टू कंजुकेटिव पॉइंट्स ऑन द कर्व सी, ये जो कर्व सी है इस पर दो कंजुकेटिव पॉइंट्स है, कंजुकेटिव पॉइंट्स मीन्स नियरेस्ट है ये दोनों, तो बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये पी और क्यू पॉइंट लिए हुए, देन पी क्यू इक्वल टू डेल्टा आर, पी क्यू जो है वो डेल्टा आर होगा, कैसे होगा बता चुके हैं, तो यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं पी क्यू के डायरेक्शन में निकालते हैं, तो पी क्यू वेक्टर किसके बराबर है डेल्टा आर, और डेल्टा आर में हम लोग इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर बता रहा है, और किस डायरेक्शन में बताएगा, ये पी क्यू के डायरेक्शन में बताएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये डेल्टा आर रहने देते हैं, और ये जो है वो लेंथ बता रहा है, इसका लेंथ, तो यहाँ पर क्यू जो है वो वेरी क्लोज टू पी है, अगर कोई कर्व है यहाँ पर पी ले रहे हैं और यहाँ पर क्यू लिए हैं, तो ये जो कोड का लेंथ है और ये जो आर्क का लेंथ है दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर ये क्यू पॉइंट काफ़ी नज़दीक लेंगे हम लोग, सपोज कीजिए ये पी लिए और ये क्यू लिए, दोनों वेरी क्लोज लिए हैं, तो उस समय जो कोड होगा और इस आर्क का जो लेंथ होगा वो दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्यू जो है वो काफ़ी क्लोज है,
तो इसीलिए हम लोग ये जो लेंथ डेल्टा आर है उसको हम लोग इस आर्क के लेंथ के बराबर कर सकते हैं और आर्क का लेंथ को हम लोग डेल्टा एस मान लेते हैं। तो डेल्टा आर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस लिख सकते हैं, जहां डेल्टा एस क्या है, वेयर डेल्टा एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, पी क्यू आर्क का लेंथ है। तो ये क्यू काफी क्लोज है, इसीलिए हम लोग डेल्टा आर का जो मॉडुलस होगा यानी कि इसकी जो लेंथ होगा उसको हम लोग डेल्टा एस लिखे हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें लिमिट लगा देते हैं, लेट क्यू टेंस टू पी, क्यू टेंस टू पी इसमें लिमिट लगाते हैं डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस में। क्यू टेंस टू पी जब लगाएंगे तो उस समय डेल्टा एस क्यू काफ़ी नज़दीक होगा, तो डेल्टा एस टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एस टेंस टू जीरो हो गया डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और ये जो है वो उसको कैलकुलस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर डिवाइडेड बाय डी एस। और ये क्या बता रहा था, ये यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू था, तो लिमिट लगाने के बाद भी ये यूनिट वेक्टर ही रहेगा, लेकिन ये किस पॉइंट पर यूनिट वेक्टर होगा, ये यहाँ पर होगा यूनिट वेक्टर। और किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये पी क्यू के डायरेक्शन में था, जब क्यू को काफ़ी नज़दीक ले आते हैं पी के, तो ये जो लाइन पी क्यू है वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। तो ये टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बता रहा है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट एट पी। तो ये जो है डी आर बाई डी एस जो है वो यूनिट वेक्टर बताता है अलॉन्ग टेंजेंट एट पी, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी कह सकते हैं आप इसको, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पी टू द कर्व, कर्व के पी पॉइंट का ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी से भी डिनोट करते हैं, टी से, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी से डिनोट करते हैं, यानी कि टी इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाय डी एस हो गया। तो ये याद रखिएगा, लाइन इंटीग्रल में जरूरत पड़ेगा कि डी आर बाई डी एस जो है वो क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है अलोंग द टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट पी टू द कर्व, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब लाइन इंटीग्रल हम आगे बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन इंटीग्रल बताऊंगा। तो मेरा एक सोच है कि वेक्टर कैलकुलस में ये काफ़ी समझने वाला चीज़ है, तो इसको जो है मैं एक सीरीज के रूप में इसको कंटिन्यू करूँ, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टॉक्स थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, तो ये सारे को मैं एक या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको मैं एक सीरीज के रूप में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आप इस अगर वेक्टर कैलकुलस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, जब भी मैं अपलोड करता हूँ तो उसको आप देखिए। मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू किया हूँ, तो मैं अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा, पहले वेक्टर कैलकुलस का ये जो पोर्शन है इसका एक सीरीज के रूप में, फिर उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स आपके जो डिमांड आएंगे उसके आधार पर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।